वंदे गौ मातरम वंदे वृक्षम। आज हम लोग अनाज को भंडार करने का प्राकृतिक तरीके से हम कैसे भंडार कर सकते हैं, जिसमें हम गेहूं चावल दाल को बीज के लिए भी भंडारण कर सकते हैं और लोगों को हम खाने को भी देते हैं जैविक अपना प्राकृतिक, तो हम कैसे भंडारण कर सकते हैं उसकी पूरी प्रक्रिया आपको बताएंगे। और प्रक्रिया में सिर्फ हमारे घर में जो यूज होता है, जैसे हम कंडे में राख बना के यूज करते हैं, अक्षत और घी डाल के, लौंग इलायची, इस तरीके से भंडारण जिसमें ना आपकी कीड़े लगेंगे ना आपका क्या कहते हैं किसी तरीके का कुछ सामान लगेगा उसमें, बहुत अच्छे तरीके से आपका भंडारण हो जाएगा। गेहूं या अपना दूसरा अनाज को आप 2 दिन धूप में सुखा लें, क्योंकि भंडारण के लिए सबसे पहले हमारे सूर्य देवता ही सबसे बड़ी ताकत है। 2 दिन तक आप अच्छी धूप दिखा के उसको सुखा लेंगे और फिर उसको दांत से आप चबा के देखेंगे तो उसमें कुरकुरापन आ जाएगा, नमी हट जाएगी, क्योंकि नमी ही सबसे बड़ी अनाज की दुश्मन है, जिसके कारण घुन या कीड़े आते हैं। तो 2 दिन आप उसको अच्छे से सूर्य देवता से सुखा लीजिए। उसके बाद जो नीम होता है, नीम को आपको छांव में सुखाना है, आपको अनाज को धूप में और नीम को आप छांव में 2 दिन, जिसमें धूप बिल्कुल ना लगे, और छांव में सूखने के बाद उसकी नमी हट जाएगी, क्योंकि नीम में भी नमी होती है तो वो हमारा उल्टा काम करती है। तो आप नीम को छांव में सुखा लीजिए 2 दिन तक। ये हमारे लोहे के भंडारण के भांडे जिसमें लगभग 100 क्विंटल तक हमारा गेहूं चावल दाल आ जाता है, तो इसमें हम भंडारण करते हैं और जिसमें हम नीचे सबसे पहले नीम डालते हैं और उसके बाद फिर हम आगे की प्रोसेस करते हैं। अब सबसे पहले हम अपने भांडे में सबसे नीचे पहले नीम बिछाएंगे, लगभग हमारी 100 से 200 ग्राम नीम बिछेगी। इसके बाद ये जो हमारा गेहूं, ये मान के चलिए हमारा गेहूं का भंडारण हम करना है, तो इसमें हम सबसे मेन अरंडी का तेल मिलाएंगे 250 ग्राम प्रति क्विंटल। तो एक जैसे हमारा अगर 10 क्विंटल है तो हम लगभग 2.5 किलो लेके जाएंगे अरंडी का तेल और 250 ग्राम ऐसे छिड़का के हम इसमें बिछा लेंगे। फिर सेकंड बार हमारी राख, जिसको हम अग्निभस्म कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं पूजा करते समय गोबर के कंडे में घी और क्या कहते हैं अक्षत डाल के इसकी राख बनाते हैं। ये राख की खासियत होती है कि ये इसमें नमी खींच लेती है और अरंडी के तेल और राख से इसमें कभी कीड़े नहीं आएंगे और इसमें पॉजिटिव या सकारात्मक ऊर्जा आएगी। तीसरा, हम इसमें लगभग 10 क्विंटल में या 1 किलो में हम लोग लगभग 50 ग्राम लहसुन मिला देते हैं छिलके और लगभग 2 से 3 ग्राम हम इसमें लौंग मिला देते हैं। तो ये चारों का मिश्रण करके जब हम गेहूं का भंडारण कर लेते हैं, इसके बाद आखिरी के ऊपर फिर हम नीम की पत्ती डाल देते हैं। इससे आप 1 साल 2 साल बाद भी निकालेंगे तो आपके उसमें जरासी भी इल्ली और कोई भी रोग उत्पाद नहीं होगा और बहुत नेचुरल तरीके से आप, क्योंकि ये खाने की चीज होती है जैविक की, तो खाने के भी यूज कर सकते हो और आप भंडारण में अगली बार अपने बीज के लिए, क्योंकि हमारे देसी बीज हमारे बहुत मायने रखता है। अरंडी का तेल हल्का हल्का ऐसे मिलाते जाएंगे, लगभग ये 10 क्विंटल में हम लोग 2.5 किलो अरंडी का तेल मिला देंगे। लगभग ये 10 क्विंटल गेहूं में हम लोग ये लगभग 100 ग्राम लहसुन भी हम इसमें से मिला देंगे। लगभग 10 ग्राम अब इसमें हम लौंग मिला देंगे। ये हमारा अग्निभस्म, आजकल मोटी पॉलीथिन आती है, उसको आप गेहूं को या अनाज को डाल लीजिए और एयर पैक कर लीजिए। मोटी वाली पॉलीथिन आती है जो बाद में रिसाइकिल हो जाती है, मतलब हमारे वातावरण को भी प्रदूषित नहीं करती है, वो रिसाइकिल हो जाती है। तो अच्छी वाली मोटी मोटी वाली पन्नी से इसको आप बांध दीजिए और उसके बाद इसको आप बोरी या किसी में रख लीजिए, तो पन्नी के कारण एयर पैक हो जाएगा और उसमें किसी भी प्रकार के घुन नहीं आएंगे। तो हमारे 4 सबसे बड़े दोस्त हैं, हमारा राख, हमारी मोटी पन्नी, अगर अरंडी का तेल है आपके पास आसानी से उपलब्ध हो रहा है तो ठीक, नहीं तो उसकी कोई इतनी ज़रूरत नहीं है, लौंग और लहसुन। तो मात्र 10 क्विंटल में आप 100 रुपये के खर्चे में कर सकते हैं। अब राख आप कैसे लाएंगे, तो गोबर के कंडे से। हमारे ऊपर दिया गया कि कैसे हम अपनी खेती में राख बनाते और कैसे गोबर के कंडे में उसको उपयोग करते, आप आई बटन में दबा के उसको उपयोग कर सकते हैं, नहीं तो आप
अंडे की व्यवस्था कहीं से कर सकते हैं। तो आजकल अमेजोन और इसमें 10 से 15 रुपए में होम डिलीवरी मिलती है उसकी। तो एक अंडा जला के आप लगभग अपने घर में भी लगभग 50 किलो बहुत अच्छे से गेहूं स्टोर कर सकते हैं। तो आइए प्राकृतिक तरीके से कीजिए, क्योंकि आज हम लोग अनाज में पारे की गोली इंजेक्शन, एक तो हम जहरीला अनाज ला ही रहे हैं और उसमें हम और ज़्यादा जहर डाल रहे हैं, जो हमारे शरीर के लिए बहुत, स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह। और आप अपने घर वालों से प्रेम करते हैं, अपने मम्मी से, अपने पापा से, अपने दादा से, अपने बड़ों से, उनको आप जहर परोस रहे हैं। तो आइए प्राकृतिक तरीके से भंडारण कीजिए। तो बहुत अच्छे तरीका है बीज रखने के लिए, घर में उपयोग करने के लिए, और इसका कोई नुकसान नहीं है, ये सब खाने के उपयोग है। जय हिंद।